आपके गांव के इस प्रांगण में आज आपसे मिलने का, परिचय करने का, बातचीत करने का जो आपने अवसर दिया है, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम कोनो नेता ना है, आ कोनो दलो नहीं की बनाई ले, अरवा से वोटो लेवे नहीं किया, तो घबराई मत। अरे भाई कोई और नेता आ गए फिर बढ़िया बढ़िया बात बताई आ फिर ठग के जाए। हम आपसे वोट लेने नहीं आए हैं, दल नहीं बनाए हैं, तो पदयात्रा काहे खातिर कर रहल बा। आधा आदमी तो यही उधेड़ बुन में पड़ल बा, दिमाग उनकर चकरा रहल बा कि ए भाई दल बनैले नहीं खन, वोट मांगत नहीं खन, तो आखिर बिहार में गावे गांव जाए के प्रयोजन काहे शुरू कइले बा। अपना घर द्वार परिवार सब छोड़ के पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस राज्य में हम और आप रहते हैं बिहार, ये देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। आज से 50 साल 40 साल पहले भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य थे, और आजो देश में सबसे ज्यादा गरीब हमनिये के मानी जा। देश में सबसे ज्यादा अशिक्षा, सबसे ज्यादा भुखमरी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हम लोग के राज्य बिहार में ही है। ये स्थिति कैसे सुधरे, इसको कैसे बेहतर बनाया जाए, दल बनाकर चुनाव जीतने से नहीं होगा, इस बात को गहराई से समझना पड़ेगा। क्योंकि दल तो रुआ 10 गो बनाई नहीं, पिछला 50 साल में अलग अलग दल को आप जिताए, सबके वोट देख के देख लेनी, कुछो बदलत नहीं थी। आखिर सुधरी कैसे, सुधरी कैसे, जाने से पहले जरूरी बाकी आदमी जानो कि ऐसे स्थिति में बात का है। इस स्थिति में इसलिए है कि बिहार का जो जन प्रतिनिधि है, जिसको आप और हम चुनकर मालिक मुखिया बनाते हैं, राजा बनाते हैं, उसके मन से ये डर खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको चुनाव हरा देगी। देखिए हमने के बिहार में 5 वर्ष बैठ के बतियावत नहीं जा कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा। लैकन के पढ़े के जोगाड़ नहीं थे, कोई के रोजगार नहीं थे, सड़क टूटल बा, खेत में पानी नहीं थे, खाद नहीं थे मिलत, बीज नहीं थे मिलत, धान के दाम नहीं थे मिलत, अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, दवाई नहीं थे, सब बात बतियावत नहीं जाई रो, सब बात रोबा जानत नहीं रोबा, घर में खेत में खलिहान में चाय के दुकान पे बतियावतो बानी। लेकिन जहिया वोट होता रे भाई, वो दिन सब बात हमने के दिमाग से हट जाता। पिछला 30-40 साल में बिहार में खाली 4 चीज पर वोट पड़ता है। पहला बात कि हमार जात के बात, चलो ओकरा के वोट दे दिया, जे जात से निकलल तो कहते कि भाई सब हिंदू एक हो जा, जा मुसलमान के सबक सिखावे के बाद सब हिंदू एक होके वोट करो, धर्म के नाम पर फंस गए। अरे दोनों से बचल तो कहते कि भैया कतनो खराब बा ना भाजपा नीतीश कुमार, अब लालू जी वाला जंगल राज ना चाहे। मान ली कि रोड नहीं थे, रोजगार नहीं थे, दुकान नहीं थे, पढ़ाई के व्यवस्था नहीं थे, लेकिन कम से कम कोई आके मारत नहीं थे ना, तो चलो मन मार के इनके के वोट दे दिया जाओ। आ चौथा हमने के मुसलमान भाई रो सब बानी जा, जे ई कहत के भैया अच्छा होके चाहे खराब, जी ही चाहे मोरी हम तो भाजपा के तो ना नदी आई, तो लौटेने लोग को तो इनके के दबाव। ये 4 चीज पर वोट दिया तो भैया ईमानदारी से बताए दिया था ना, तो हमने के बड़का बड़का बतियाव तनी जा 5 बरिस, अपन माथा फोड़ो तनी जा, जे करे कभी माइक दे दी, आधा घंटा बता दी कि बिहार में क्या क्या खराब बा, केकरा नहीं के मालूम, सबके मालूम बा, रहुआ तो सबसे पहले मालूम बा, रहुआ तो त्रस्त मानी ओकरा से, कहां भ्रष्टाचार बा, कहां काम नहीं करो मालूम नहीं है, सबके मालूम बा। लेकिन जब हमने के वोट देता नहीं जाता, भुला जाता नहीं जा, तो जब रहुआ जानता नहीं, हम जानता नहीं कि यही 4 चीज पर वोट पड़ी, तो नेतो कुल जान गई बाड़ा सब, तो वो जान गई बाड़ा संगे भैया कुछो काम होके चाहे ना, हंस के चाहे गा के, खिसिया के चाहे गरिया के, वोटवा तो हमरे के दी हम, जो हम कहा यह न बात ना भाई, नेता तो ये कहते जो हम कहा इनके वही के बाद हमारा के तो काहे के काम करो। ये दुर्दशा है बिहार की।
ये दुर्दशा है बिहार की। आपसे पूछेंगे तो रुआ कह के भैया नेता बढ़िया बढ़िया बात बोलता है चुनाव से पहले, वोट ले लेता है फिर लौट कर नहीं आता है, वो तो बात में दम बा। लेकिन हम रवा से पूछता नहीं कि कोई रवा के एक बार ठग सकेला, दो बार ठग सकेला, तीन बार ठग ली, ऐसा कैसे होता कि पांच पांच बार छ छ बार ठगता। पहले बाबूजी ठगलन अब लड़को ठगता सब, रवा हमार आंखें नहीं के खुल तो कैसे सुधरी। ये अभियान है आपको ये बताने का कि जब तक आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तब तक कोई नेता और दल आपका चिंता नहीं करेगा। इस बात को लिख कर रखिए कि जब हमने के सुनता नहीं जा के मोदी जी हम तो सुधार दी हन, लालू जी हम तो सुधार दी हन, तो नीतीश जी हम तो सुधार दी हन, प्रशांत किशोर हम तो सुधार दी हन, कोई आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई, जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे तो हम राउर लड़का के चिंता काहे कर। राउर लड़का देखी लालू जी के लड़का दसवा नहीं थे पास कैले, लेकिन लालू जी के बाद ना चिंता की भाई हमारे लड़का मुख्यमंत्री बनू, होकों के चाहे बाबू जी उनकर बारन आ जन लोकतंत्र में जनता वोट दे दी तो बन जाए मुख्यमंत्री। दिक्कत इस बात से नहीं है कि लालू जी का लड़का दसवा पास नहीं किया है मुख्यमंत्री बनना चाहता है, दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का एम ए बी ए कर लिया उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है और रवा चिंते नहीं क्यों कर। रवा तो कभी भाजपा हराओ में लागल बानी, कभी लालू जीताओ में लागल बानी, कभी भाजपा मोदी के लावे में लागल बानी, कभी पाकिस्तान के सबक सिखावे में फसल बानी। रवा अपन लड़का के चिंता बा कहा तो कैसे सुधरी। हमारा के आदमी कहता हम पैदल पैदल काहे चलता नहीं, ये कहे आई बानी अगर आप नहीं जगिएगा तो जिस बदहाली और बेकारी गरीबी में आपका जिंदगी बीता है आपके और हमारे बच्चों की भी जिंदगी इसी बदहाली और बेकारी में बीतेगी। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। हमने के बड़का बड़का खाली बतियावता नहीं जा आ काम गलत कर रहे हैं, वोट गलत दे रहे हैं। खाली विधायक और मुख्यमंत्री की बात नहीं थे, नीचे से वार्ड सदस्य से लेकर ऊपर तक सब आदमी भ्रष्ट चुनिएगा तो सही कैसे होगा भाई। आज सब ये सोचा था कि कोई एगो आई हमने के ठीक कर दी। हम अभी पैदल चले शुरू कर ले मानी 70 दिन भई, दो बरिस चले के बाद आदमी कहता ए भैया अब रउआ आ गई ना सब ठीक हो जाये, हमने के रउे पीछे चलल जाये, हम ना रहे तो ठीक स्थिति ना हुई। अरे आपको अपना स्थिति का ज्ञान होना चाहिए ना भाई। प्रशांत किशोर हम तबे और अपन लड़का की चिंता हुई, हमारा आवे से सुधरी एकदम नहीं सुधरने वाला। जो आदमी मंच पर खड़ा होता है, जो नेता मंच पर खड़ा होता है वो आपको यही कहता है कि हमारा को भरोसा करो, हमारा के वोट दे दो, हम आई तो ठीक कर दे। हम आपको कहने आए हैं कि हमको वोट दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, जब आप जगिएगा तब कुछ होगा। आप में वो ताकत है, आप जिसका बटन दबाते हैं वो राजा बनता है। ये लोगों की ताकत है, इस ताकत का सही इस्तेमाल कीजिएगा तबे बिहार सुधरेगा, ना तो सुधरे वाला नहीं थे। देखिए 2014 में ऐसे ही पूरा देश में हवा चलल कि मोदी जी हम तो सब ठीक हो जाए। मोदी जी के वोट दिया ही बना भाई, कुछ आदमी देले हुए नहीं जैसे 2014 में मोदी जी के हम ही प्रचार करत रहे, नारा रवा सुन ले होखो हर हर मोदी घर घर मोदी। मोदी जी गुजरात के अब बिहार में घरे घर आदमी कहता मोदी जी हम तो महंगाई खत्म हो जाये, मोदी जी हम तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाये, मोदी जी हम तो रोजगार मिल जाये, मोदी जी हम तो देश के विकास हो, बिहारों के विकास हो जाये। अब भइल कि नहीं तो रउआ अपन जाये घरे जाची परखी का भइल रउआ के बतावत नहीं। घरे घर से हमनी के मोदी जी के वोट देनी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री हो गई लोन तो घरे घर से सिलेंडर के 1250 और डीएपी के 1600 रुपए वसूलाता, पूरा पूरा वसूलाता ना, छूट नहीं खे ना मिलत। अरे तो भटवा हमनी के देले बानी जब तब सिलेंडर के पैसा और डीएपी के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिये के देवे पड़ी, कोई जान ना बचाई। गलती हम लोग किए हैं तो हम ही लोग उसका भुगतान करेंगे। ढेर वोट देनी जा हमने के मोदी जी के तो मोदी जी हो गए प्रधानमंत्री,
आ थोड़े थोड़े वोट देने जा हम निकल नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार हो गेलन मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भैलन तो कहलन कि हमरा के सब महिला लोग वोट दिले बा, हम बिहार में लागू करब शराबबंदी। तो शराबबंदी लागू हो गई। नीतीश कुमार के शराबबंदी देखी, शराब के दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू, घरे घर शराब के डिलीवरी होता होता ना भाई। 100 रुपए के शराब 400 रुपए में होम डिलीवरी होता। गरीब आदमी अगर शराब के संग पकड़ा जाओ तो पुलिस मार के तोड़ के उनका के जेल में बंद करता। और बड़ा आदमी जो बाहर शराब माफिया हजारों करोड़ रुपया कमा रहा है शराब के धंधा करके, और महिला लोग मूर्ख बन के सब नीतीश कुमार के दे दलस वोट। आ शराबबंदी लागू होने से बिहार को, बिहार सरकार को आपका हमारा गरीब राज्य का हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब 20,000 करोड़ के भुगतान कैसे होता? डीजल यहाँ पर 9 रुपए लीटर ज्यादा और पेट्रोल पर 13 रुपए ज्यादा टैक्स लगाया गया है। उस शराबबंदी से जो नुकसान होता है भरपाई खाती डीजल पर 9 रुपया और पेट्रोल पर 13 रुपया हम मरुआ ज्यादा देता नहीं जाए। हमारा लालू यादव नीतीश कुमार और नीतीश और मोदी से मतलब नहीं थे, हम आपको उदाहरण देके बता रहे हैं। जैसा वोट दबाइएगा उसका परिणाम आपको और आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता है। जब तक आप नहीं सही वोट दबाइएगा तब तक बिहार को सुधारा नहीं जा सकता है। आदमी कहता नहीं भैया बुझाता विकल्पे ना रहे। बिहार में तो दुए गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन, आ बीच में नीतीश कुमार कभी पलट के भाजपा के ओर है, कभी पलट के ललटेन के ओर है। तो पते नहीं के चलत की रहियन के ने जेने रे वोट दबाई तो दूसरा ओर चल जाए, उनका अपन कुर्सी चाहिए तो वोटवा के करा के दिया। तो हम बता रहे हैं आपको वोट किसको देना है। आपने 30-40 साल में अलग अलग दलों पर दाव लगाया, अलग अलग नेता पर दाव लगाया, अब एक बार अपने आप पर दाव लगाइए। इसका नाम क्या है? जन सुराज। ये प्रशांत सुराज ना हो, जो बात गांधी जी ने बताई कि ग्राम के स्तर पर, गांव के स्तर से लोगों को चुनकर निकाला जाए, लोगों से राय विचार करके ऐसे लोगों को ढूंढा जाए और उसके पीछे ही सारी व्यवस्था लगाई जाए, उसके पीछे आप लगिए, उसको आशीर्वाद दीजिए, वोट दीजिए, वो जीत कर आएगा तभी बनेगी जनता की सरकार। बिहार तब सुधरेगा जब 40-50 हजार वार्ड सदस्य अच्छा आदमी बन जाए हम, जब 4-5 हजार अच्छा आदमी मुखिया बनेगा, जब बढ़िया आदमी प्रमुख बनेगा, जिला पार्षद बनेगा, जब 100-150 अच्छा आदमी विधायक बनी तब न बिहार सुधरी। खाली मुख्यमंत्री बदले से बिहार सुधरे वाला बा? नीचे से लेकर ऊपर तक सब वही घूम गया है। इसीलिए पद यात्रा कर रहे हैं कि गांव शहर कस्बे से ढूंढकर ऐसे लोगों को निकालें जो समाज का सही आदमी है, जो ठग नहीं है, जो किसी को धोखा नहीं दे, किसी को लूटे नहीं। एक बार समाज से सही आदमी को ढूंढकर निकाल लिए तो सबको एक साथ बैठाएंगे और सबे मिलकर तय करी कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। दल बनाने में कितना देर लगता है, एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, किसी एक जाति का नहीं। ये जो पूरा अभियान है ये महात्मा गांधी की आजादी से पहले जो कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का अभियान है, जिसमें लोग मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से दल बनाए और उसके बराबर के हिस्सेदार हो। एक कार्यकर्ता ढूंढे का अभियान नहीं थे। बहुत आदमी हमारा कहते हैं भैया हम कैसे जुड़िए से, तो भैया पर्चा फाड़ के मेंबर बने का अभियान ना है, हम मिस्ड कॉल दे के ज्वाइन करे के भी अभियान ना है। ये समाज से ऐसे लोगों को ढूंढने का अभियान है जो बिहार को सुधारने की काबिलियत और जज्बा रखते हैं, जिनके अंदर ये जज्बा है कि नहीं साथ में मिलकर एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। जो गांधी जी की सोच थी उस सोच को पुनर्जीवित किया जा सकता है, जिसमें हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा अमीर गरीब बराबर का मालिक बने, कोई किसी का झंडा लेकर नहीं ढोए। हम उनको नहीं ढूंढ रहे हैं जो हमारे पीछे चलना चाहता है। आदमी कहते कि रवा को भरोसा काहे करी, तो हम रवा को बताओ तनिक हमारा को भरोसा बिल्कुल मत करी।
हमारे पीछे मत चलिए, हमारे साथ कब आइए जो हमारे बराबरी में चलने का काबिलियत और जज्बा रखते हैं। ये उनको ढूंढ रहे हैं जो हमारे बराबरी में चले और बराबर का ताकत लगाकर इस चीज को खड़ा करें। अब ये पूरा जो अभियान है, आदमी कहता है कि प्रशांत किशोर के कितना आपको बड़ा रोग में शक्ति बा, बड़ा ताकत बा, हम में कोई ताकत नहीं है। अभियान हमको हमारी ताकत दिखाने का नहीं है, ये अभियान है आपको आपकी ताकत का एहसास कराने का। जैसे हनुमान जी रहन, उनका ना बुझात रहे कि कितना शक्ति हमारा में बा, कोई दूसर बतावत रहे तब ओकरा उनका बुझात रहे कि हम सात समुन्दर फान सकीला, पढ़ले मानी ना रामायण में। तो जनता भी उसी तरह लोकतंत्र की हनुमान है, आपके पास वो ताकत है, आप जिसको चाहिए बना दीजिए, जिसको चाहिए बिगाड़ दीजिए। लोग गांव में सुतल बानी कहता नहीं है भैया हम गरीब आदमी का करी, हमारे हाथ में का बा, अरे रउे हाथ में सब बा, जेकरे के बटन दबाई वो है जीत जाए। जन बल के आगे कोई बल नहीं है, लिख कर रखिए, जिसके पीछे आपका आशीर्वाद हो जाएगा वही राजा बनेगा, और अपने बीच में से सही आदमी को राजा बनाइए तभी बिहार सुधरेगा, न तो सुधरने वाला नहीं है। देखिए हमने के बिहार में क्या दशा दुर्दशा बा, या रोड पर मोटरसाइकिल चलता, मोटरसाइकिल कहाँ बनता भाई, मोटरसाइकिल बनता महाराष्ट्र में हरियाणा में, घर में हमने के टीवी देखता नहीं जा, रेडियो सुनता नहीं जा, मोबाइल देखता नहीं जा, कि कहाँ बनता मोबाइल टीवी या रेडियो, ये बनता महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश में। घर रोवा बनावता नहीं, सीमेंट लागता छड़ लागता, सीमेंट छड़ कहाँ बनता, ये बनता छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में क्या बनता। अरे हतना आदमी खड़ा बनी जैसे बिहार के बाद बिहार में क्या बनता, कुछो नहीं बनत, हम रोवा के बताओ तो नहीं क्या बनता। पूरा बिहार को यहाँ के नेताओं और व्यवस्था ने मजदूर बनाने की फैक्ट्री बना दिया है, हमने के मजदूर बनावता नहीं जा। देश में जेकरा भी मजदूर चाहिए कहता जा बिहार से सौ को पकड़ के ले आओ, ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए। जिस बच्चे को आप पेट पाल काट काट के पाल पोस के बड़ा किए, 20 बरस 22 बरस का लड़का हो गया तो पीठ पर झोला लेके चला गया मजदूरी करने, अब साल में 10 दिन 15 दिन कभी ईद में कोई आई छठ में आई तो रुआ भेंट होता ना तो मुंह देखे के नहीं मिलत रुआ घर के सामान के, और जब तक जवानी ऊपर रही 20 बरिस 25 बरिस 30 बरिस ओकरा बाहरे अपन हार गलावे के बाद 10,000, 15,000, 20,000 रुपया के लिए लोग छोटे छोटे कोठरी में रह रहे हैं, वहां पर पांच पांच छह छह लड़के पेट काट काट के 5,000, 6,000 रुपया गांव में भेज रहा है ताकि आपका घर परिवार चल सके। हमनी के आंखें नीचे खुल इधर सब होशियारे बुझता अपना के आंख नीचे खुल, जात से निकल नहीं रहे, धर्म से निकल नहीं रहे हैं, कैसे सुधरेगा। आप बताइए कोई गुजरात का आदमी आकर यहाँ मजदूरी कर रहा है भाई, कोई करत है गुजरात का आदमी जा मजदूरी, पंजाब महाराष्ट्र के आदमी आके जब मजदूरी करता काहे नीचे करो, वही जो गरीबी बा, वही जो भ्रष्टाचार बा, वही जाके आदमी आके बिहार में काहे नीचे मजदूरी करो, ऐसे नीचे मजदूरी करो, ओजा के शासन ओजा के राज्य में इतना व्यवस्था सरकार कर दे बाकी 10-15 हजार के मजदूरी खाती आदमी के अपन परिवार छोड़ के घर द्वार छोड़ के बहरी नहीं जाए के। अगर ये व्यवस्था गुजरात में बा, पंजाब में बा, महाराष्ट्र में बा तो बिहार में होके चाहिए ना, होके चाहिए कि ना, होके के राउर लड़का रहो संगे रहो, राउर समांग राउर मरद रहो संगे रहो तो राउर हिम्मत रही ना दुगुना, तो रहो काहे लिखी बात के समझो, इस बात को क्यों नहीं समझते हैं बिहार के लोग। देश भर में हमने की मजदूरी करे खातिर पैदा भइल बानी जा, ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार, इस बात को समझिए। हमने के बाहर जाता नहीं जाते कहो कर्शन बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ, हम लोग बेवकूफ आदमी है सब लोग, हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम लोग अनपढ़ नहीं है, ये नेताओं ने और व्यवस्था ने हमको आपको मजबूर बना दिया है, बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा ये व्यवस्था बदल जाएगी, तो जो बिहार के लड़के बाहर फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं वही लड़के यहाँ आकर फैक्ट्री लगा भी सकते हैं।
और दूसरे जगह के लोग आकर यहाँ रोजगार करेंगे। आप जगिए अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। अपना नहीं तो बच्चा का चेहरा देखी वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, जो आपके बच्चों के लिए रोजगार दे। नहीं कीजिएगा तो इस सुधरने वाला नहीं है। कितनों दिन लोगों कोई के चुन नहीं कि सुधरी ना, और किसी का बंधुआ मजदूर बनकर वोट जो आप दे रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। ना राजनीतिक फायदा है, ना विकास के नजरिए से फायदा है। जितने हमारे मुसलमान भाई बैठे हुए हैं आपको बता रहे हैं कि जो जाति वाला समीकरण लगा कर वह सोचता नहीं कि भाजपा के कोई समूह हरा दी, नहीं हो सकता है। लोहा को लोहा काटता है। जिस विचारधारा पर आधारित भाजपा है उससे अगर आप लड़ना चाहते हैं तो गांधी की विचारधारा वाले कांग्रेस को पुनर्जीवित कीजिए। देखिए रास्ता अपने आप आपको दिखेगा जिसमें विकास भी होगा और सुरक्षा भी होगी। जो बात महात्मा गांधी ने बताई कि सुरक्षा आपकी तब होगी जब हिंदू समाज ये चिंता करे कि मुसलमान भाई की सुरक्षा कैसे होगी, और मुसलमान इस बात की चिंता करे कि हिंदुओं की सुरक्षा कैसे होगी, तब सुरक्षा बनेगा। और नहीं तो वह सुरक्षा के नाम पर जब आप किसी क्रिमिनल को जिताते हैं, अपराधी को जिता देते हैं, तो वो अपराधी जब जाकर बहुसंख्यक समाज में किसी को मारता है तो जैसे आपको अपनी सुरक्षा प्यारी है तो उसको भी तो अपनी सुरक्षा प्यारी है। वो भी कह रहा है कि कुल मुसलमान लोग ऐसे दे देता हूँ जब वोट अपराधी के लालटेन पोते, यही से आके हमने के दिक्कत होता। चलो रे भैया भाजपा के जिता हुआ, इससे नहीं बनेगी बात। कोई महा हमारा आदमी कहते भैया महागठबंधन की मदद का है नीचे पर क्यों करे महागठबंधन का मदद। 2015 में किए थे ना मदद, 17 में नीतीश कुमार भाग के भाजपा में चले गए। तो आप बताइए ना इसमें से कौन वीर है जो बता देगा कि नीतीश कुमार फिर नहीं भागेंगे। आप फिर जिताइएगा फिर भागेगा वो आदमी, लिख कर रखिए।